हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आई होप यू वुड बी फाइन तो बच्चों आज जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स तो आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशंस इन सेट या ऑपरेशंस ऑन सेट बोलो बात एक ही है तो बात करते हैं किसकी ऑपरेशंस ठीक है तो ऑपरेशंस को समझना है बच्चों तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए हमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स ठीक है तो सब बच्चों को जो है सेट समझ में आ गया आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की थोड़ा सा जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट में देता हूँ बच्चों कि भी अगर हम बात करते थे क्या प्लस माइनस डिवीजन तो ये जो है भी क्या थे ऑपरेशंस थे किस में नेचुरल नंबर में क्या है ये ऑपरेशंस ठीक है ये ऑपरेशंस जो है किस में हैं नेचुरल नंबर में ऑपरेशन थे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ठीक है ये जो है ऑपरेशंस ठीक है किस में थे नेचुरल नंबर में क्लियर यहाँ पे जो है जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों उनको समझना है कि भाई जैसे सेट्स को समझने से पहले सेट में ऑपरेशंस को समझने से पहले हमने क्या क्लियर करना है ऑपरेशंस इन नेचुरल नंबर ऑपरेशंस इन नेचुरल नंबर ठीक है नेचुरल नंबर्स में जो ऑपरेशन हैं बच्चों जैसे मैं बात कर रहा हूँ एडिशन की ठीक है कि एडिशन जो है ऑपरेशन तो एडिशन ऑपरेशन जो है बेस थोड़ा सा ले रहा हूँ जिन बच्चों को कुछ नहीं पता उनके लिए तो ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहला ऑपरेशन ले लिया मैंने एडिशन ऑपरेशन ठीक है तो भाई इसमें जो है क्या आएगा इट बल्कि यहां पे जो है बोलू कि इट ओबे ओबीज कम्यूटेटिव लॉ कम्युटेटिव लॉ कैसे समझो कि अगर मैं कह रहा हूं फाइव प्लस फोर और इसको लिख रहा हूं मैं फोर प्लस फाइव तो सेम थिंग क्लियर ये ठीक है बच्चों तो ये जो है एडिशन में कम्युटेटिव लॉ है ठीक है ऐसे जो है एसोसिएटिव लॉ क्या एसोसिएटिव लॉ ठीक है तो अगर एसोसिएटिव की बात कर रहा हूं तो भाई क्या एडिशन ऑपरेशन ठीक है तो इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ तो एसोसिएटिव लॉ मीन्स फाइव प्लस फोर प्लस थ्री तो फोर को मैंने पहले फाइव से ऐड किया और फिर जो है इधर जो है फोर को मैंने थ्री से ऐड कर दिया तो सेम रिजल्ट देगा ठीक है बच्चों तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो थोड़ा सा बेसिक मैं जो है आपको समझाना चाह रहा हूँ बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कैसे यहां पे समझना है देखो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि थ्री इंटू फाइव प्लस फोर ठीक है तो ये जो है थ्री इंटू फाइव हो जाएगा थ्री इंटू फोर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो है जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव जो है है ठीक है सुन तो बच्चों ये बेसिक जो है बातें हैं ठीक ऐसे जो है किस में समझ सकते हो कि भाई अगर आप जो है मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं लिखा है मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो बेटा मल्टीप्लाई में भी ऐसे होता है ठीक है जैसे एडिशन ऑपरेशन है ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में भी आप इसको समझ सकते हैं यानी कि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यहीं पर जो है समझा दूँ तो ऐसे समझ लो बच्चों कि भाई फाइव इंटू फोर लिखोगे तो भाई इसको फोर इंटू फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ओबी कम्यूटेटिव लॉ ठीक है ऐसी जो है क्या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव को भी ओवे करता है तो बच्चों ये जो है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो भाई फाइव को पहले फोर से मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद थ्री से यहाँ जो है पहले फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करो फिर फाइव से जो है मल्टीप्लाई कर दो तो, एक ही बात है ठीक है तो बच्चों इस तरह से जो है देखा कि भाई प्रोडक्ट लॉ भी क्या कर रहा है सॉरी प्रोडक्ट जो ऑपरेशन है यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है ये जो है नेचुरल नंबर में क्या करता है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है ठीक है ठीक तो बच्चों क्योंकि इसके अंदर जो है जब मैं सेट की बात करूंगा तो उसके अंदर भी यही आएगा ठीक है कि भाई क्या जो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो भी कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक तो इसलिए मैंने ये जो है डिस्कशन में लाया ठीक है तो जरा इसको क्लिक करो ठीक है यह आजकल हैंग जो है मार रहा है तो ज़्यादा जो है देर तक वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं ठीक है दो ऑपरेशन मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो है समझा दूँ सेट्स में ठीक है तो बच्चों ऑपरेशन से इन सेट्स जो है मैंने हेडिंग आपको लिख दिया इसमें जो पहला ऑपरेशन मैं आज बताने जा रहा हूँ ठीक है वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं जरा थोड़ा सा ठीक है बच्चों ये है यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स ठीक है तो बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स जो है कि मैं अगर बात करूं तो भाई क्या होता है ये सेट ऑफ टू सेट्स मोर देन टू भी हो सकता है ठीक है अ सेट ऑफ टू सेट्स टू सेट्स ए एंड बी क्या अ सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी विच कंसिस्ट ऑफ सिस्ट ऑफ दिलीमेंट्स आईदर सेट ए आइदर सेट ए और सेट बी क्या मतलब कि भाई टू सेट से जो है मिला बन के मिला एक जो है क्या सेट क्या कि ऐसा सेट कि जो जो है टू सेट से मिलकर बना है जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या फिर बी के एलिमेंट से ठीक है तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दैट इज यूनियन बी लेकिन सिंबल में हम इसको लिखते हैं ऐसा कैसे ए ऐसा यू लगा देंगे बीच में और बी इजिकल टू एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब ये हुआ कि जो ए और बी मतलब ए और बी को मिला के जो हम जो है क्या बनाएंगे सेट बनाएंगे वो ऐसा सेट होगा कि उसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या फिर बी के एलिमेंट होंगे तो बच्चों एग्जांपल से जो है समझो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो एग्जाम्पल में आपने क्लियर करना है कि भाई क्या सपोज मैंने एज कल टू क्या ले लिया वन टू थ्री फोर ले लिया ठीक है और बीज कल टू क्या ले लिया बीज कल टू ले लिया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे ले लिया ठीक है ये ले लिया तो ऐसे में जो है देन ए यूनियन बी क्या ए यूनियन बी क्या हुआ बच्चों ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब ये हुआ कि ये मिलीजुली सरकार जो है बन गई ठीक है यानी कि या तो वो ए के एलिमेंट हैं या बी के एलिमेंट हैं ठीक है ठीके? समझ गई नहीं बात को तो कैसे भाई? वन टू थ्री नहीं वन टू इसमें हैं वन टू ये आ गया तो इसमें वन टू नहीं है तो यानी कि इसके एलिमेंट भी हैं और इसके एलिमेंट भी है जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं तो वो एक बार आएंगे क्लियर ठीक तो इस तरह से जो आपने देखा कि भाई ए यूनियन बी जो है वो टू सेट्स के एलिमेंट्स का ऐसा सेट है कि उसमें या तो ए के एलिमेंट है या फिर बी के एलिमेंट हैं समझ गई बात को ठीक है तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो है करना है ये। अब जो है बात आई कि सर इसको जो है क्या वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे तो यहां पे एक वर्ड जो है आ रहा है वेन डायग्राम वेन डायग्राम तो बच्चों ये वेन डायग्राम क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या डेफिनेशन दी मैंने रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन of sets with the help of plane figure. Plane figures is called Venn diagram. Clear? यानी कि अगर हम जो है सेट्स को क्या कर सकें प्लेन फिगर की हेल्प से अगर समझा सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि क्या है वेन डायग्राम में सर इसको कैसे समझाएंगे तो देखो बच्चों इसको इस तरह से जो है समझाना है कि हमने जो है ये रेक्टेंगल बनाया ये है यूनिवर्सल सेट ठीक है और यूनिवर्सल सेट जो है क्या होता है which कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑल ऑफ विच ऑफ द सेट्स और सबसेट्स ठीक है यानी कि ऐसा जो है सेट जो सब ऑब्जेक्ट से मिलके बना है या फिर सब एलिमेंट से मिलके बना है और सेट्स और सबसेट का जो है सेट है ये है यूनिवर्सल ठीक है तो बच्चों इसको यू जो है लिख दिया इसमें जो है हमने जो ए और बी टू सेट्स ले रखे हैं उनको हम कैसे दिखाएंगे तो बच्चों उसको हम दिखाएंगे इस तरह से ऐसा और ये ठीक है ये ए है ये बी है ठीक तो इसमें हम इसको कलर जो है कर देंगे तो कलर ऐसे करेंगे बच्चों कि ये इस तरह से अब पूरे को कलर करने में टाइम जाएगा ना ठीक है तो बच्चों ये जो है अगर इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं तो ये जो है ए यूनियन बी को शो करता है यानी कि ये वाला जो है ए है और ये सेट क्या है यानी कि ये वाला जो है ए है और ये बी है लेकिन ये पूरा जो फिगर है या ऐसे जो है और सा दिख रही है ठीक है ये ए है और ये क्या है बी है तो ये जो दिख रहा है ये ए यूनियन क्या है बी है क्या है ये ए यूनियन बी यानी कि एक नया सेट हो गया ठीक है आज ए यूनियन बी क्या है एक नया सेट जो मिस हो गया ठीक अब जो है इसको ज़रा क्लिक करो फिर जो है मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बताता हूँ ठीक है तब तक चेक भी कर लिया जाए ठीक है सही चल रहा है अभी तो बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स जो है समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है अ सेट ऑफ टू सेट्स विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आइदर सेट ए और सेट बी क्लियर ये उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है तो रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से करना है ठीक है ए यूनियन बी जो है लिखना है या फिर इस तरह से जो है लिखना है ए यूनियन बी बना करके ऐसे और ऐसा सिंबल दे दोगे ठीक है तो ये उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है ठीक है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब बच्चों इसमें आता है कि भाई यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है ठीक है तो इसको जो है क्लिक कर लिया होगा बढ़िया से जो है समझने की कोशिश करो ठीक है अब हम बात करें यूनियन ऑफ सेट्स हो गया अब जो है मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स ठीक है यानी कि जो यूनियन ऑपरेशन है ना उसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन ठीक है यूनियन एक क्या है ऑपरेशन जिमि हो गया ठीक है तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन ठीक है बच्चों? तो यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज जो है क्या है पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि इट ओबेज इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है ये कम्युटेटिव लॉ को जो है ओबे करता है कैसे भाई यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए ठीक है मतलब अगर ए और बी दे रखा है हम जो है ए और बी को पहले लिखें या फिर बी को और ए B बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ये भाई जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दिए थे ठीक है कि भाई एज सपोज मैंने लिखा ए बी और सी ठीक है और बी मैंने लिख दिया बी सी डी ठीक है तो अब मैं अगर ए यूनियन बी लिखूँगा तो तब भी क्या होगा ए बी सी डी आएगा ठीक है अरे क्लियर है भाई बी सी दोनों में कॉमन है और अगर मैं बी इंटरसेक्शन बी सॉरी बी यूनियन ए जो है लिखूँगा तो तब भी क्या होगा भाई तब भी वही आएगा कि बी सी डी ठीक है और क्या बी सी डी और ए आ जाएगा बस ठीक है भाई एलिमेंट आगे पीछे है लेकिन एलिमेंट तो वही है ना ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्वल सेट्स हो गए मतलब ठीक है तो इस चीज को क्लियर करना है ठीक है तो बच्चों ये है पहला उसके बाद सेकंड जो आता है कि इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ क्या एसोसिएटिव लॉ अभी मैंने एसोसिएटिव लॉ बताया बस केवल प्लस और इनटू की जगह हमने ये यू लिख देना है ऑपरेशन तो बच्चों ये ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू एनियन बी यूनियन सी ठीक है ये तो जहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे वहाँ नेचुरल नंबर थे ना ऐसे यहाँ पे जो है सेट्स हैं जैसे वहाँ क्या थे नेचुरल नंबर थे ऐसे यहाँ पे सेट्स हैं जैसे वहाँ मल्टीप्लाई और क्या एडिशन जो है ऑपरेशन था यहाँ पे यूनियन क्या है एक ऑपरेशन है मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ये ठीक है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये जो है एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है वो भी जो है करता है ठीक है उसके बाद बच्चों थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसको हम बोलते हैं आईडम्पोर्टेंट ठीक है आई टेंट लॉ आइडमपोर्टेंट का मतलब जनरल मीनिंग होता है कि भी क्या कि अपने आप से ऑपरेशन अपने आप से मतलब ए यूनियन ए क्या होगा जी तो भाई क्या होगा ए होगा तो इसको जो है आइडम प्रोटेंट लॉ बोलते हैं यानी कि अपने आप से अगर यूनियन बनाओगे तो क्या होगा भाई ए इज कल्ड मैंने जैसे लिखा था ए कुछ भी लिख दो ठीक है वन टू थ्री लिख दिया अब ए में अगले में क्या लिखा वन टू थ्री तो लिखोगे अब इनका अगर ए यूनियन बी बनाओगे तो क्या होगा भाई सॉरी ए यूनियन ए बनाओगे तो क्या रहेगा वन टू थ्री तो रहेगा ठीक है तो बेटा ये आइडमपोर्टेंट लॉ को वो भी कर रहा है कौन यूनियन ऑपरेशन ठीक है उसके बाद फोर्थ जो है आता है लॉ ऑफ फाइव लॉ ऑफ फाइव जो है क्या होता है जरा समझना है बेटा ऑफ फाइव का मतलब हुआ कि ए जो है यूनियन फाइव यानी कि ए कोई सेट है उसका अगर यूनियन फाइव के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली ए ही आएगा क्योंकि फाइव मतलब नल सेट उसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं तो नहीं होगा तो क्या बनेगा यूनियन उनका यही बनेगा मिली सरकार यही बनेगी लास्ट जो है बोलो मैं तो क्या है इसमें लॉ ऑफ यू ठीक है तो लॉ ऑफ यू मतलब लॉ ऑफ यू यू फॉर यूनिवर्सल तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ठीक है लॉ ऑफ यू बोलते हैं जनरली यूनिवर्सल सेट ठीक है तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है भाई यानी कि किसी भी सेट ए का अगर यूनियन हम यू के साथ बनाएंगे तो भाई क्या आएगा यू आएगा ना ठीक तो इन बातों को यहाँ पे क्लियर करना है ठीक है कि भाई यूनियन ऑपरेशन जो है किन किन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है ठीक है बच्चों? तो पहला है कि इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ सेकेंड है इट ओबे एसोसिएटिव लॉ थर्ड है इट ओबे आइडोपिटेन लॉ अगला इट ओबे फाई लॉ इट ओबे यू लो यू फॉर यूनिवर्सल सेट ठीक है ये भाई किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन बनाओगे तो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा ना क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट होंगे ठीक है तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है भाई जैसे यहाँ पे इसको समझना चाहते हो जैसे यू हमने लिया सेट ऑफ जो है नेचुरल नंबर है ना और मैंने यहाँ पे ए जो बोला वो क्या कहा कि भाई वन थ्री फाइव यानी और नंबर का सेट है ठीक है तो अगर मैं ए यूनियन यू बनाऊंगा तो डेफिनेटली क्या आएगा भाई नेचुरल नंबर का सेट आएगा ना यू ही तो आएगा ठीक है उसमें सारे नंबर आ जाएंगे ठीक तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको समझा कि भाई क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है किसकी यूनियन ऑपरेशन की वो क्या है तो इसको जल्दी से क्लिक करो और चेक भी करता रहता हूँ मैं ठीक है ये ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इसको ज़रा ठीक है कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं नहीं होगा कोई प्रॉब्लम ठीक है ये कल भी वैसे मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में इसका ध्यान रखना ठीक है और बिना इनके क्वेश्चन होंगे ही नहीं इसलिए दिमाग में रखोगे और बहुत सिंपल सी बातें हैं यार कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब थोड़ी इसमें ठीक है क्या कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को दिमाग में नहीं रखते इसलिए आगे क्वेश्चन गलत कर देते हैं ठीक है तो बच्चों ये जो है दिमाग में रखना है कि क्या है ठीक उसके बाद हम बात करेंगे किसकी क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है मेमोरी कम जो है मीन बचा हुआ है तो ये फोर्टी फाइव मिनट से ज़्यादा नहीं ले रहा है ठीक है तो कोशिश है मेरी कि 45 मिनट में लेक्चर कम जो है खत्म कर दिया जाए बच्चों ठीक है उसके बाद जो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन क्या बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ठीक है तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है क्या हुआ जनरली हम इंटरसेक्शन के लिए ऐसा उल्टा यू जो है बना देंगे ठीक है क्या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए उल्टा यूज हुए बना देंगे इस तरह से लटका हुआ ठीक है तो क्या हुआ जरा इसको समझो देखो अ सेट क्या अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू भी लिख सकते हैं अ सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी च कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी ठीक है क्या कह रहा हूं सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी ए और बी जो है टू सेट्स का ऐसा सेट जो ए और बी दोनों के एलिमेंट से बना है उसमें क्या था आइदर ए और बी इसमें है बोथ मतलब दोनों के एलिमेंट से जो है बना हुआ है कैसे भाई ठीक है इसको हम देट इज करके जो है बच्चों अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे इसको बनाएंगे कैसे कि ए इंटरसेक्शन अब यहां तो वर्ड्स में लिखो ए इंटरसेक्शन बी या तो ऐसे लिखेंगे वर्ड्स में सिंबॉलिक देंगे हम ए इंटरसेक्शन उल्टा यू बनाएंगे और बी इज इक्वल टू क्या एक्स सज that एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब ये हुआ कि x जो होगा एलिमेंट अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करना चाहिए ठीक है यानी a यूनियन a इंटरसेक्शन b जो हमारे पास सेट बनेगा उसमें a का भी एलिमेंट है और वही एलिमेंट किसका भी है b का भी जो है ठीक तो एग्जाम्पल जो है भाई दे दिया जाए एग्जाम्पल ऐसे समझो बच्चों कि अगर मैं ए इजिकल टू मैंने क्या ले लिया वन ठीक है सिंपल लेते हैं वन टू थ्री फोर ले लिया ठीक है और b इक्वल टू मैंने क्या ले लिया भाई मैंने लिया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वहाँ तक क्या लिया था एट तक एट लिया था कोई बात नहीं वो भी ले लो ठीक है ये ठीक ये फोर का जरा थोड़ा सा ध्यान रखना फोर का स्टाइल हमारा अलग है है ना तो बेटा ए जो है हमारे पास ये है बी ये है तो हमने इसका देन देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटा दोनों के जो है एलिमेंट यानी कि दोनों में क्या क्या कहूँ मैंने भाई थ्री और फोर यहां भी है थ्री और फोर यहां भी है बस तो यानी कि यहां आ जाएगा थ्री कॉमा फोर क्लियर है ठीक यानी कि ये समझो कि कॉमन एलिमेंट जो है यानी कि क्या कॉमन एलिमेंट मतलब जैसे एच में करते थे उसमें एल है तो इसमें एच हो जाएगा ऐसे भी समझ सकते हो ठीक है तो याद रखना है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है कॉमन क्या क्या है भाई थ्री और फोर यहाँ भी थ्री और फोर ठीक है तो थ्री और फोर जो है क्या ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे ठीक है अब जो है सर कि इसका वेन डाइग्राम कैसे बनाएं तो देखो इसका वेन डायग्राम वेन डायग्राम ठीक है बच्चों, तो इसका वेन डायग्राम जो है कैसे बनाना है इसको समझना है कि बच्चों इसमें जो है ऐसे बनाओगे ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसमें जो है ए दिखाओगे और बी दिखाओगे ये यू है ये ए है और ये बी है ठीक है क्या भाई ये ए है और ये क्या है बी है तो इसमें जो है जो दोनों के बीच वाला पोर्शन है ना इसको हम कलर जो कर देंगे ठीक है तो ये जो है क्या शो करेगा ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को जो है शो करेगा ठीक है चाहो तो मैं इसको अलग से जो लिख दूं कि यही क्या है ए इंटरसेक्शन बी है ठीक है आएसन तो वेन वेंडाइग्राम से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन रीजन जो है क्या करेंगे सेडेड जो है कर दोगे या कलर कर दोगे ठीक है ये तो बच्चों ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या फिर सेट्स में जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन ठीक है तो अब बात करते हैं कि सर जो है इंटरसेक्शन समझ गए ना भाई सिंपल सा है कि भाई दो सेट्स हैं उन दो सेट्स में हमने देखना है कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं बस वो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो जाएगा अगर टू से ज़्यादा हैं तो उनमें भी कॉमन देखा जाएगा कि तीनों सेट में या चारों सेट में जो है क्या है कितने जो है कॉमन एलिमेंट हैं ठीक है थीके? कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है समझ में तो ऐसे नहीं कि दो में ही इसको कर सकते हैं तीन में भी कर सकते हैं भाई ठीक है ए इज इक्ल टू वन टू थ्री बी इज टू क्या थ्री या टू थ्री फोर सी इज टू मैंने ले लिया थ्री फोर और फाइव ठीक है तो देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाऊंगा ठीक है तो क्या होगा ये जो है तीन ये जो है दोनों जगह आ रहा है तो यहां पे थ्री जो है लिख दिया समझ में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो बच्चों इसको जल्दी से क्या कर लो क्लिक कर दो फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है बताता हूं पर चेक जरूर कर लेते हैं ठीक है तो आते हैं किस पे प्रॉपर्टीज ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन ठीक है क्या इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ठीक है तो भी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी इसमें जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज जो है क्या होती हैं इसमें आते हैं तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी क्या है कि ये भी क्या करता है इट ओबेज क्या इट ओबेज कम्यूटेटिव लो ये भी क्या करता है कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो भी करता है कैसे सर तो बच्चों कम्यूटेटिव लॉ को ऐसे वो भी करता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ गए बात को भाई कॉमन एलिमेंट तो आगे पीछे होंगे बस रहेंगे तो एलिमेंट वही कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है भाई ए इक्वल टू मैंने लिखा वन टू और थ्री ठीक है बी इक्वल टू मैंने लिख दिया वन टू नहीं सॉरी टू थ्री और फोर ठीक है ये तो अब मैं अगर ए ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ तो क्या होगा भाई टू और थ्री होगा और अगर बी इंटरसेक्शन जो है ए लिखूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या होगा बी में भी, भी तो वही है टू और थ्री तो टू और थ्री है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई दोनों क्या हैं इक्वल है ठीक तो इस तरह से जो है आपने इसको समझना है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब जो है सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों की इट ओवेज एसोसिएटिव लॉ ये भी क्या करता है एसोसिएटिव लॉ ठीक है ये भी जो है इट वो भी एसोसिएटिव लॉ यानी कि ये भी एसोसिएटिव लॉ को वो भी करता है ए इंटरसेक्शन बी ठीक है सॉरी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है तो बेटा ये इस तरह से संबंध है ये मतलब जहाँ हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगा रहे थे नेचुरल नंबर में या एडिशन ऑपरेशन लगा रहे थे वहां हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है यूज़ करना है और किस में करना है सेट्स में मतलब जो काम वहां कौन कर रहे थे नेचुरल नंबर कर रहे थे वो यहाँ सेट कर रहे हैं और जो वहाँ पर एडिशन ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहा था वो यहाँ कौन कर रहा है या तो यूनियन ऑपरेशन कर रहा है या फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहा है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ठीक है बच्चों इसमें जो है थर्ड अगर मैं ले लेता हूँ तो ये है इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है थोड़ा राइटिंग में इतना वो नहीं रखता मैं ध्यान रखना ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे वो भी करता है भाई कि अगर मैं ए जो है क्या लिखूँ ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी यूनियन सी ठीक है जैसे वहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव वो भी कर रहा था ऐसे ही तो बच्चों ये ए जो है इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है हो जाएगा तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो भी करता है ठीक है ये अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें आता है बच्चों कि भाई फोर्थ यूलो फाइलो का केस क्या है डोर्टेंट लॉ देखो आई डोटेंट लॉ ठीक है तो आईड इम्पोर्टेंट लॉ जो है क्या हुआ आईड मतलब अपने आप से ऑपरेशन तो ए इंटरसेक्शन अगर मैं ए बोलूं बच्चों तो भाई ए में ए और ए में जो है कॉमन क्या आएगा ए ही तो आएगा तो ये आ गया ठीक है उसके बाद फिफ्थ जो है इसको हम बोलते हैं क्या कि लॉ ऑफ फाइव ठीक है तो लॉ फाइव में क्या मतलब कि ए इंटरसेक्शन अगर फाइव करेंगे ठीक है तो भाई कॉमन क्या आएगा फाइव आएगा ठीक है क्या ए और फाइव में कॉमन क्या है फाइव तो आएगा ठीक है ये तो इतना सिंपल सा है नल सेटर ए में क्या कॉमन आएगा फाइव ठीक है सिक्स जो है अगर दे दें बच्चों तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू तो लॉ ऑफ यू का मतलब क्या हुआ भाई यानी कि ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ऑपरेशन ठीक है तो भाई कॉमन क्या आएगा क्लियर है कि ए जो है कॉमन आएगा मतलब यानी कि अगर नेचुरल नंबर का सेट हमने ले लिया उसमें से ए सेट जो है किसका है और नंबर का ठीक है तो अब यूनियन जो है क्या है नेचुरल नंबर का सेट है तो डेफिनेटली जो कॉमन आएगा बच्चों वो नेचुरल नंबर में क्या आएगा अगर ये और नंबर है और यू जो है नेचुरल नंबर है तो और नंबर ही क्या आएगा कॉमन जो मीनस आएगा दोनों में ठीक है तो अब आपने ये जो है दिमाग में रखना है कि भाई किस तरह से जो है क्या कि जो आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये जो है किसको ओबे करता है ये कौन कौन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है ये जो है दिमाग में रखना है ठीक है तो भाई ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है क्लियर ये जो है एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है ये नया जो है एक प्रॉपर्टी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है ठीक है आइड इम्पोटेंट लॉ यानी कि अपने आप के साथ जो है इंटरसेक्शन क्या हुआ फाइव लॉ का मतलब कि फाइव के साथ ही अब डेफिनेटली वन वन मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ध्यान रखना इसका ठीक है और बीच में भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसकी ए इंटरसेक्शन फाइव तो फाइव होता है यानी कि नल सेट में और यूनियन में अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा फाइव आएगा ठीक है लॉ ऑफ यू क्या हुआ यूनिवर्सल सेट के साथ क्या जो है लॉ होगा तो भाई किसी भी जो है यूनिवर्सल किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन जो होगा वो डेफिनेटली वो सेट होगा ठीक है कैसे भाई अब इसको समझना है कि जैसे मैंने कहा यू इज इकल टू मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट ठीक है और इन्फिटी तक और ए जो मैंने ले लिया मैंने कहा कि वन थ्री फाइव डॉट डॉट यानी कि ऑड नंबर तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन सेक्शन यू अगर बोलूँ ठीक है तो भाई कॉमन क्या आएगा डेफिनेटली ए आएगा ए मतलब वन थ्री फाइव तो कॉमन आएगा ठीक है इस चीज़ को समझो ठीक है तो बस इसको जो है क्लिक कर दिया जाए ठीक है थोड़ा मैं टाइम भी देख लूँ कि कितना जो है मिस हो रहा है बच्चों अब जो है बच्चा एक लास्ट ऑपरेशन ताकि इस एक्सरसाइज को कर सको क्योंकि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है अगले वाले में आएगा ध्यान रखना इसका ठीक है तो इसको जो है मिटा दिया जाए ठीक है हो जाना चाहिए क्लिक अब जो है इसमें एक और आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स ठीक है क्या आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है बच्चों ये आता है अगला जो है क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स लास्ट इसमें ताकि एक्सरसाइज सॉल्व कर सकोगे थर्ड डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट्स तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हुआ बच्चों इस समझो कि भाई टू सेट्स हैं उनका डिफरेंस अ सेट्स ठीक है ऐसे लिखो अ सेट of two sets a and b having having elements ऑफ सेट ए ओनली ए ओनली मतलब कि जिसमें केवल ए के एलिमेंट जो है होंगे कैसे भाई देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ए डिफरेंस बी जो है ऐसे लिखते हैं तो ए डिफरेंस बी जो है का मतलब क्या हुआ कि एक्स सज देट एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यही तो बोला उसमें कि भाई वो जो है एक ही एलिमेंट से बना होगा ठीक है तो कैसे अब एग्जाम्पल जो है से समझो कि ए इजिकल टू अगर मैंने वन टू थ्री जो है लिख दिया और बी में लिख रहा हूं क्या थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो भाई ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा वन टू थ्री और डिफरेंस थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है बच्चों तो इसमें जो है क्या होगा जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएगा और जो बचेंगे वन और टू बचेंगे किसके बचे वो पहले वाले के बचे इसीलिए जो है इसको ऐसे बोलते हैं समझ में ठीक है क्लियर अब जो है एक क्लियर है यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे और जो एलिमेंट बचेंगे वो केवल ए के ही बचेंगे ठीक है तो इसीलिए जो है हैविंग एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट जो है होंगे जो भी होंगे ठीक है अगर कॉमन है तो वो कट जाएगा क्लियर ये तो बच्चों ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स इसको जो है वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार उसको देखो वेन डायग्राम ठीक है तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार जल्दी से इसको देखो ये हैंग भी मार सकता है लास्ट में ठीक है तो बच्चों इस तरह से जो है हमने क्या करा टू सेट्स जो है ऐसे दिखाने तो इसमें हमने क्या करना है ये यूनिवर्सल सेट है भाई जैसे ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा तो इसमें हमने केवल ये पोर्शन जो है क्या करना है कलर करना है क्योंकि ए के तो बच रहे हैं कॉमन वाले तो कट जा रहे हैं तो ये ए इसको लिख देंगे ए डिफरेंस बी ठीक है तो ये जो इवेंट डायग्राम है ये ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप ही क्लियर कर लो कि भाई जो कॉमन एलिमेंट वो कट जाते हैं बी के आते ही नहीं है उसमें तो केवल कलर जो पार्ट है वो किसका है ए का है तो केवल ए के एलिमेंट इसमें बचेंगे ठीक है तो इस तरह से जो है आपका अब वन पॉइंट फोर वाली जो एक्सरसाइज है ना बिल्कुल इजीली जो है इसको आप कर सकते हो ठीक है तो बच्चों फिर जो है नए वीडियो लेक्चर में जो है मिलते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में बताऊंगा बहुत बढ़िया से जो है डिमोरगन लॉ क्या होता है उसमें जो है डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ठीक है लेकिन तब तक जो है इसके क्वेश्चन ट्राई करो फिर मैं उसमें इनके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा कि क्या है तो फिर मिलते हैं ठीक है लाइक सब्सक्राइब बनता है और शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड से ठीक है उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ रहा है ठीक है और बढ़िया जो है समझ में आ रहा है तो बच्चों देखते रहो साथ में जो है स्वस्थ रहो मस्त रहो आजकल पानी पीते रहो क्योंकि गर्मी चल रही है ठीक बाय